हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडीज। एक और नया दिन एक और नया डिश के साथ आज मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनाना कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बनाना को बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये पनीर कोफ्ते को भी पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बनाना कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज को ऐसे रफली चॉप करके ले लिया है और दो टमाटर लिए हैं जिसे रफली चॉप कर लिया है और चार मैंने कच्चे केले लिए हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और साथ ही में एक हरी मिर्च, लहसुन और अदरक के लिए है। तो सबसे पहले हम एक बेस ग्रेवी रेडी करेंगे। तो पहले प्याज, लहसुन और अदरक का एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो अभी मैंने उसी जार में टोमेटो प्यूरी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे प्याज का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी रेडी हो गया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, बनाना बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाना लिया है जिसे मैं पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लूंगी और अभी मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करूंगी, साथ ही में 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड किया है और साथ ही में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ बेसन ऐड कर रही हूँ। आगे और जरूरत पड़ेगी तो मैं बेसन ऐड करूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये जो डो है वो काफी गीला है तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ, लगभग 2 टेबलस्पून। तो एकदम लास्ट में मैं यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं बॉल्स बनाने। तो हाथों में अच्छे से ऑयल लगा ले, उसके बाद थोड़ा सा डो लेंगे और एक बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है, अभी फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और बॉल्स फ्राई होने के लिए डालेंगे। हाई फ्लेम पे बॉल्स को नहीं फ्राई करना है वरना ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी कुछ देर हम इसे स्टर नहीं करेंगे, ये हल्के से सेट हो जाए उसके बाद हम इसे चलाएंगे। तो अभी हम इसे एक बारी पलट लेते हैं। आप इस बॉल्स को ऐसे भी एज ए स्नैक्स चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बॉल्स हैं वो फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, अभी हम बनाएंगे अपनी ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और अभी मैं इसमें एक तेज पत्ता ऐड करूंगी, साथ ही में एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी और एक पिंच हींग ऐड करेंगे और इन्हें हल्का सा चटक जाने देंगे। उसके बाद मैं इसमें प्याज वाला पेस्ट ऐड करूंगी और इसे बिल्कुल अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भुन गया है, अभी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले जले नहीं, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मसाले भुन गए हैं, अभी मैं इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करूंगी और टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी। नमक हमें हिसाब से ऐड करना है क्योंकि हमने बॉल्स में भी नमक ऐड किया है और इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, अभी मैं इसमें 1 कप जितना गर्म पानी ऐड करूंगी और एक उबाल आने तक इस ग्रेवी को ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पे जो है ग्रेवी में उबाल आ गए हैं, अभी मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करूंगी, इसे जरूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है, अभी मैं इसमें बॉल्स ऐड करूंगी। अभी हल्का सा मैं इसे स्टर करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है वरना बॉल्स टूट जाएंगे। और इसे ढककर 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे, उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करूंगी। तो बस एकदम बढ़िया सी बनाना कोफ्ता बनकर रेडी है।
अभी हम इसे गर्मा गर्म राइस या चपाती के साथ सर्व करेंगे। सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये बनाना कोफ्ता करी की रेसिपी आप सबको? आप सब इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो आज की ये रेसिपी पसंद आया, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।